हेलो फ्रेंड्स, नमस्ते। मम्मीज ब्लॉग में आपका बहुत स्वागत है। अगर मेरा वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। हेलो फ्रेंड्स, आज हम आलू मटर और टमाटर की ये सब्जी बनाएंगे। तो ये मटर है मेरे पास आधा बोल के करीब। टमाटर है, मैंने छोटे पीसेस में कटिंग कर ली है। ये हरी मिर्च है और ये मैं जल्दी से बना रही हूँ। एक्चुअली मैंने ये आलू फ्राई होने रख दिए थे, फिर मैंने सोचा कि वीडियो भी बना लेती हूँ। तो ये आलू फ्राई हो रहे हैं, मैंने अभी सिर्फ आलू डाले हैं, जीरा डाला है। आप देख सकते हैं फ्रेंड, आलू फ्राई हो गए हैं। और इसके साथ ही मैं ये थोड़ी सी हींग डालूँगी इसी में। आलू को थोड़ा सा एक तरफ करके बीच में ऑयल में हींग डाल देती हूँ, इससे फ्लेवर अच्छा आएगा। जीरा डाल दिया था मैंने, आप देख सकते हैं। और आलू फ्राई हो गए हैं, थोड़े लाइट पिंक कलर के, लाइट ब्राउन हुए हैं एक्चुअली। और इसी के अंदर मैं ये एक तरफ आलू को करके मटर डाल दूँगा। ये मटर डाल दिए और उसको भी फ्राई कर लेते हैं। एकदम बिना लहसुन प्याज के बना रही हूँ मैं, सिंपल बना रही हूँ। बहुत जल्दी बन जाती है कुकर में। मैं इसके अंदर ये लाल मिर्च डाल दूँगी, गैस धीरे कर दी है, नहीं तो मसाले जल जाएंगे। और ये धनिया पाउडर और थोड़ी सी हल्दी। इस तरह से मिला लेंगे, फिर थोड़ी सी गैस मीडियम कर देंगे और एक मिनट तक होने देंगे हम इसे। थोड़ी हरी मिर्च भी डाल दूंगी। बिल्कुल सिंपल सब्जी है, बहुत जल्दी बन जाती है। और इसको इस तरह से हिला लेंगे, फिर वापस मसालों के साथ ये मिक्स हो गए हैं मटर और आलू। आप देखिए टमाटर मैं बाद में डालूंगी, पहले मैं नमक डालती हूँ। नमक डालूंगी, ये आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग डालेंगे। और फिर इसे इस तरह से हिला लेंगे। तो आलू और मटर दोनों फ्राई हो गए हैं। अब देखिए कितना अच्छा मसाला मिक्स हो गया है। अब इसके अंदर हमेशा सब्जी में मैं हल्का गर्म पानी डालती हूँ, तो ये गर्म पानी डालूंगी और इसको इस तरह से ढक देंगे। ये करीब आधी गिलास के करीब गर्म पानी डाला है मैंने, गैस धीरे कर दिए। और अभी मैं ढक्कन लगाऊंगी, लेकिन अभी भाप निकल रही है, आप देख सकते हैं। और इसी के अंदर मैं ये टमाटर डाल दूंगी। टमाटर को अभी ऊपर ही रहने देंगे, तो जब एक उबाल आ जाएगा तब मैं इसे मिक्स कर दूंगी। बस इस तरह से ढक्कन बंद कर देंगे और एक सीटी आने देंगे। तो फ्रेंड देखिए, ये मैंने दो सीटी बुला दी थी और उसको फिर ठंडा होने दिया, ढक्कन अलग हटा लिया। मैं आपको दिखाती हूँ, सब्जी बहुत अच्छी बनी है, गर्मा गर्म ये सब्जी। सर्व करने के पहले मैं इसमें थोड़ा सा गरम मसाला डालूंगी, एक चम्मच गरम मसाला डाल के और इसको डिजोल्व कर लेंगे। और थोड़ा हरा धनिया भी डालूंगी और थोड़ा हरा धनिया गार्निशिंग के वक्त डालूंगी। अब मैं इसे इस कैसरोल में खाली कर देती हूँ। गरम गरम सब्जी सर्दी की रेसिपी है, मटर इस सर्दी में बहुत मस्त आ रहे हैं फ्रेंड। तो ये सब्जी बहुत ही अच्छी लगेगी और मैं अभी आपको गरम गरम सर्व करके दिखाती हूँ।
तो फ्रेंड्स देखिए, ये मैंने कैसरोल में खाली कर दी है सब्जी, और ये बहुत ही टेस्टी है। इस सीजन की बहुत अच्छी है आलू मटर टमाटर की सब्ज़ी, और इसे धनिए से गार्निशिंग कर दिया मैंने। तो अगर आपको ये रेसिपी अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को। थैंक फॉर वॉचिंग माई चैनल। बाय फ्रेंड्स, बाय।